उनका 131st बर्थ एनिवर्सरी है और एक ऐसे महान शख्स जिसे भारत रत्न मिला और देश के अंदर में जिन्होंने खास तौर पे जो पिछड़े समाज है। और यहाँ पे एक स्टैच्यू की उपस्थिति की गई है जिसका उद्घाटन हमारे जो एमपी है श्री माननीय कुलदीप राय शर्मा जी ने किया है। सारे मेंबर्स यहाँ पे हैं, चलिए उनसे इस शुभ दिवस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया कि जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उस समाज को देश के जो मेन स्ट्रीम है उसमें जुड़ने का, ये शपथ को हम सबको लेना है। अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्ति से निवेदन करते हैं कि वे बाबा साहब के चित्र पर पुष्प सुमन अर्पित करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। उनका 131st बर्थ एनिवर्सरी है और एक ऐसे महान शख्स जिसे भारत रत्न मिला और देश के अंदर में जिन्होंने खास तौर पे जो पिछड़े समाज है, जो दलित समाज है, उस समाज को देश के बाकी समाज के बराबर में खड़ा करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सोशल जस्टिस दिलाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे उनका हेल्थ इश्यूज हो, या जितने भी सोशल
स्कीम्स और सोशल जो बुराई उस समय देश की आज़ादी से पहले देश के अंदर में था, उस सभी चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा पीड़ा उठाया था, जिनके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन कुर्बानी भी दी थी। वो अम्बेडकर साहब देश के पहले लॉ मिनिस्टर थे और वो कुछ दिनों के बाद उस लॉ मिनिस्टर से भी उन्होंने रिज़ाइन किया, क्योंकि जब जब उनको लगा कि कोई चीज़ अगर सही नहीं है समाज में, जो जिस चीज़ को वो आगे बढ़ाना चाहते थे, जिस चीज़ को वो लेकर चलना चाहते थे, और उस पर जब जब कुछ उनको लगा कि सही नहीं चल रहा है उसको, तो वो उस पद को भी त्याग देते थे, अपना पर्सनल बेनिफिट को कभी नहीं देखते थे। ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, इस तरीके के महान पुरुष बहुत ही कम है, और हम लोगों के लिए बड़ा फख्र और खुशी का बात है कि एक ऐसा महान पुरुष हमारे देश में उन्होंने जन्म लिया, और श्रेय लोग हैं, दलित समाज है, उनको आगे लाने का जो काम पीड़ा उन्होंने उठाया है वो बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही इस एसोसिएशन को भी मैं अम्बेडकर कल्चरल एसोसिएशन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अम्बेडकर जी का जो सही रास्ता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। और मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी मदद आप लोग को चाहिएगा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ, और आने वाला समय में ये हमारे जो दलित समाज के हमारे लोग हैं उनको भी किस तरीके से हम जो मेन स्ट्रीम में ला सकें, उनको उनका हक दिला सकें, उसके लिए हम सब मिलकर आने वाले समय में काम करेंगे। और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, एक बहुत ही अच्छा नेक काम बाबा अम्बेडकर जी का स्टैचू को मेरे हाथ से मुझे इनॉग्रेट करने का मौका मिला, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका प्यारा आपका सहायता हमेशा हमारा ऊपर रहेगा, ये उम्मीद के साथ सबको धन्यवाद देता हूँ। अब आगे बाइक रैली होगी, इससे पहले नेशनल अध्यक्ष होगी। मैं उपस्थित सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गान होगा। नमस्ते, मैं हूँ विनीता, आपकी रिपोर्टर न्यूज़ आप तक से। आज हम गोलघर के बीआर अंबेडकर जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ पे एक स्टैचू की उपस्थिति की गई है जिसका उद्घाटन हमारे जो एमपी हैं श्री माननीय कुलदीप राय शर्मा जी ने किया है। सारे मेंबर्स यहाँ पे हैं, चलिए उनसे इस शुभ दिवस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सर, आप इस सुंदर दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस महान दिन जो है आज बाबा साहब अम्बेडकर का 131st बर्थ एनिवर्सरी में, मेरा तो यही सब समाज से कहना है कि जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया कि जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उस समाज को देश के जो मेन स्ट्रीम है उसमें जुड़ने का, ये शपथ को हम सबको लेना है और यही शपथ को लेकर आगे काम करना है, ताकि जो गांधी जी का सपना पूर्ण स्वराज का, बाबा साहब का सपना बराबरी का, वो आने वाले दिनों में इस देश के अंदर में अमल हो। थैंक यू। ये थे हमारे मेन एमपी जिसने हमें अभी बीआर अंबेडकर के नेक रास्तों पे चलने की सीख दी है। हम अभी यहाँ गोलघर में हैं जहाँ पे बीआर अंबेडकर जी का स्टैचू को स्थापित किया गया है। आज का मेन दिवस जो है उनके 131st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के अवसर पर रखा गया है, और उनका एक बहुत ही प्यारा कहना है जो कि मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ के बैनर पर भी लगा है, जिसे उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। इस सोच को रखने वाले बी आर अम्बेडकर जी की इस क्या कहते हैं प्रथा को बढ़ाते हुए यहाँ पे एक बाइक रैली की स्टार्टिंग की जा रही है, जो कि यहाँ गोलघर से शुरू होकर बी आर अम्बेडकर ऑडिटोरियम तक चलेगी। चलिए देखते हैं इस बाइक रैली की जो लोग हैं उनके समर्थकों का जोश देखते हैं। चलिए, यह रैली जो है यहाँ गोलघर से शुरू होकर बी आर अम्बेडकर तक जाएगी, वहाँ से क्लॉक टावर होते हुए वापस यहीं पर समाप्ति होगी। जय भीम, 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 जय भीम,
से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।